उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर में पुल के नीचे भरे पानी में हुड़दंग मचा रहे मंचलों ने बाइक से दोस्त के साथ जा रही युवती से अभद्रता और छेड़छाड़ की थी। इस मामले में अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही मामले में कई पुलिस कर्मियों को भी गाज गिरी है। वहीं अब पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वक्तव्य दिया है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि कल जो गोमती नगर की घटना हुई है उसकी सूची मेरे पास आई है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा आरोपी मोहम्मद शबाज, इन सब के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आपके सद्भावना वाले लोग हैं, हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, अब आप चिंता मत करो। सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम हर एक बेटी को, एक बेटी बहन को आश्वासन किया कि हमने इसको गंभीरता से लिया है, हमने पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया है। उधर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि हुड़दंगई और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियां किए जाने वाले मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है, साथ ही स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज व चौकी पर नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही नाबालिग से बलात्कार का मामले भी विधानसभा में गूंजा। सीएम योगी ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी और अयोध्या से मौजूद सपा सांसद अवधेश प्रसाद को घेरा। कि जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं। सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्के पन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्के पन से लेने का काम होता है।